फ्रेंड्स, ट्राइडेंट के शेयर के ऊपर आज शनिवार के दिन यानी कि बाजार बंद है, उस वक्त एक बहुत ही अच्छी प्रेस रिलीज निकल कर आ रही है। और इसके अलावा यहाँ पर 2 दिन पहले ही फंड रेस करने से रिलेटेड न्यूज़ निकल कर आई थी, और उस दिन इस शेयर में अपर सर्किट हमें देखने को मिला था। और फ्रेंड्स, कल ही एक इन्वेस्टर के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, तो उसने ऐसा कहा कि मुझे 1 लाख रुपये का पोर्टफोलियो बनाना है अगले 5 साल के लिए। तो हमने वहाँ पर भी ट्राइडेंट को शामिल करने को बोला था, और यह बात हमने कल शाम शुक्रवार को की थी, यानी कि अभी वो भाई ने तो ये शेयर लिए भी नहीं होंगे, तो सोमवार को वो शेयर ले लेंगे। और इसके अलावा हमारे इस चैनल के जरिए जो भी लोग हमारे व्यूअर हैं जो और उसमें से जो भी मेरे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हैं, तो उन सभी को मैंने इस शेयर को पोर्टफोलियो में शामिल करने को बोला है। और उसका मेन रीज़न ये है कि फ्रेंड्स, जब इसके चौथे क्वार्टर्स के रिजल्ट आए, तो मैनेजमेंट ने अगले आने वाले 4-5 साल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त गाइडेंस दिया था। जैसे कि अभी इसकी रेवेन्यू 5,000 करोड़ के आसपास है, तो उसको 25,000 करोड़ तक ले जाने का मैनेजमेंट का लक्ष्य, यानी कि यहाँ से 5 गुना रेवेन्यू करने का ट्राइडेंट का लक्ष्य है। और इसके अलावा अभी जितना ये प्रॉफिट कमाते हैं, उससे 8-9 गुना प्रॉफिट अगले आने वाले 5 साल में हो सकता है, और इसी वजह से हमने इस शेयर को बाय करने को बोला है सभी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर न्यूज़ की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो 10 जुलाई को यह न्यूज़ आई, यानी कि आज शनिवार के दिन, और यहाँ पर जून महीने के प्रोडक्शन डेटा है। तो फ्रेंड्स, सभी को पता है कि जून महीने में भारत के अंदर कोरोना की सेकंड वेव का इम्पैक्ट था, मगर यहाँ पर ट्राइडेंट के प्रोडक्शन में कोई खास दबाव देखने को हमें नहीं मिल रहा। और ट्राइडेंट नॉर्मली अभी 2 मेन सेगमेंट में काम करते हैं, जिसमें से एक है होम टेक्सटाइल डिवीज़न और दूसरा पेपर एंड केमिकल डिवीज़न। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बाथ लिनन बेड लिनन यार्न की अगर बात करें, जो कि उसके टेक्सटाइल डिवीज़न में आता है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो बाथ लिनन यानी कि जो हम नहाने धोने के लिए जो भी हमारे पास वस्त्र होता है, इस तरीके की ये प्रोडक्ट बनाते हैं इस कैटेगरी के अंदर। तो वहाँ पर 4,363 मेट्रिक टन प्रोडक्शन रहा, जो कि नॉर्मल महीने के आसपास ही है। और इसके अलावा बेड लिनन की बात करें, जो कि फ्रेंड्स बेड लिनन प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल क्या करते हैं, तो हमारे बेडरूम में जो तकिया या फिर बेड के ऊपर जो कपड़े की ज़रूरत होती है, ये लोग उसको बेड लिनन कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर 2.8 मिलियन मीटर रही, जो कि नॉर्मल महीने से थोड़ी कम है, मगर यहाँ पर कोई खास प्रेशर हमें देखने को नहीं मिला। और यार्न की बात करें तो 9,587 मेट्रिक टन प्रोडक्शन रही। और इसके अलावा पेपर की बात करें तो फ्रेंड्स 12,706 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन रहा, और केमिकल में 8,428 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉर्मल महीने के आसपास ही कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बावजूद प्रोडक्शन आया, तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी ट्राइडेंट के रिजल्ट बहुत ही शानदार आने चाहिए। और यहाँ पर जब जो एक्सपेंशन से रिलेटेड मैनेजमेंट का प्लान है वो इम्प्लीमेंट होता हमें दिखाई देगा, तो इस शेयर में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा हमारा इस शेयर पर लॉन्ग टर्म टारगेट 100 रुपये के आसपास का है।